डे 3 है हमारा और वेलकम बैक टू आवर चैनल भैया जी व्लॉग में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। एंड अब हम निकल गए हैं अपने होटल से और अब थोड़ा सा जयपुर घूमेंगे, देन फिर निकल जाएंगे हम वापस घर को दिल्ली। विपिन आ रहा है पीछे पीछे और यहाँ का रोड कुछ ये पता नहीं मिट्टी मिट्टी क्यों कर रखा है, स्लस स्लस सा। तो थोड़ा बाहर निकल जाए मेन रोड पे, देन उसका वेट करते हैं। तो गाइस ये देखो जयपुर के अंदर भी शायद हम हवा महल दिखाते हैं हम आपको, हवा महल जा रहे हैं और भूख लग रही है बड़ी तेज़ और ट्रैफिक भाई जयपुर में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो गाइस हम घूम रहे हैं छोटी चौपड़, जयपुर में से छोटी चौपड़ मतलब मार्केट कहते हैं एक तरीके से कह सकते हैं वहाँ यहाँ की लैंग्वेज में। और देखो राजस्थानी यहाँ पे ज़्यादातर वो क्या कहते हैं ड्रेसेस मिल रही है, मिल रहा है। और अभी आपको हवा महल भी दिखाएंगे, हवा महल उसमें से हवा बहती है आई थिंक। ये देखो गाइस हवा महल, ओहो ये है आपका सिटी पैलेस। ये है आपका सिटी पैलेस जो कि यहाँ पे जब राजा आते हैं जयपुर के तो यहाँ पे रुकते हैं। वेट करते हैं विपिन भाई का। तो गाइस ये है आपका हवा महल जयपुर का, ये देख लो। और अभी हम मार्केट घूम रहे हैं, कोई किसी दुकान में घुसा है कोई किसी दुकान में, यहाँ पे ब्लॉग कर रहा हूँ भाई। ये देखो ये है हवा महल, अगर अभी देखते हैं अगर सब कोई रेडी होते हैं अंदर जाने के लिए तो अंदर भी जा सकते हैं, जाएंगे ठीक है, फिर अंदर से दिखाएंगे आपको। शॉप से ज़्यादातर लेडीज़ों की दुकान है, ज़्यादातर ये चप्पल और ये यहाँ के फेमस कपड़े जो भी होते हैं प्रिंटेड वाले ज़्यादा। तो गाइस ये है आपका हवा महल अंदर से, हम हैं अभी अंदर और भीड़ भाई बहुत ज़्यादा हो रखी है यहाँ पे, तो देख रहे हो लाइन लगी हुई है और ऊपर भी जा सकते हैं। कोई यहाँ पे राजस्थानी पोक शो हो रहा है जो ये राजस्थानी कल्चर, इंडियन माइकल जैक्सन।
गाइस, ये है यहाँ से ऊपर टॉप पे आ गए हम। ये हवा महल के हम टॉप पे हैं और बहुत भीड़ है यहाँ से। पूरी मार्केट छोटी चौपड़ कहते हैं इसे। तो गाइस अभी हम सिटी पैलेस के बाहर है, मार्केट वाले के घूम लिए, कुछ सामान ले लिया था मैं घर के लिए। और ये दो विपिन और उस फ्रेंड पता नहीं कहाँ चले गए, अब उनका वेट कर रहा हूँ मैं। धूप बहुत तेज़ हो रखी है, अपनी गाड़ी यहाँ लगी हुई है और बाइक भी ये लगी हुई है अपनी। अब फटाफट अब निकलते हैं, टाइम भी बहुत हो गया, 3:30 बजने वाला है, 2 बजे निकलना था वापस दिल्ली के लिए। अब देखते हैं कब तक ये पहुँचते, कब निकलते हैं हम। बस सब जैकेट वैकेट डालूँ, हेलमेट डालूँ, बस निकल ही जाना है। और खाना वाना भी खा ही लिया था हमने अभी, तो चलो फटाफट अब निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस अब यहाँ से निकल रहे हैं हम, बहुत टाइम लेट हो गया है, 2 घंटा पौने चार हो गए हैं। अब दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, देखते कितने बजे तक पहुँचते हैं यहाँ से। अराउंड 5 से 6 घंटे का रास्ता तो है ही है दिल्ली, 230-240 किलोमीटर। और ये विपिन चल रहा है आगे, मगर अभी ट्रैफिक भी मिलेगा पता नहीं कहाँ तक है भाई। सिटी के अंदर है अभी हम, तो सिटी के बाहर जाते जाते ही आधा पौने घंटा लग जाना है। ये देखो घोड़ी घोड़ी घोड़ी, ये पता नहीं कौन से टनल में आ गए हम। ओ भाई आगे आवे विपिन, आगे आइयो, आ जा। ओ भाई साहब बहुत लंबी टनल है यार, तो ओए होए। ओ भाई साहब विपिन हम राजस्थान में ही है ना। ओ लग रहा पहाड़ों पे आए हैं, आसमान है काला काला एकदम। सिटी से बाहर निकल गए हैं और ये देखो कार, पुराने टाइम की कार है ये, राजाओं की। और ये मूर्तियां यहाँ पे पत्थरों से जो काट के जो तराश के मूर्तियां जो बनती है, संग पता नहीं कौन सा जो पत्थर होता है, ये वो उन सब की दुकान है यहाँ पे। ये देखो तो टाइम हो गया है 4:45, अभी हमने गलत टर्न ले लिया तो वहाँ पे हमारा आधा घंटा ख़राब हो गया। तो भाई बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, हमारे यहाँ से निकलने का टाइम था 2:30 बजे तक निकल जाना था और टाइम हो गया यहीं पे 4:45। अब देख लो भाई यहाँ से अराउंड 6 घंटा 5 घंटा तो कम से कम ही है, तो 11-12 बजे तो मान के चलो। और विपिन अभी पीछे पीछे आ रहा है। और बहुत ही कैसा रहा ये राइड, आपको कैसी लगी ज़रूर बताना भाई कमेंट करके। इस बार बहुत ज़्यादा ये भी रहा कि बहुत ज़्यादा बाइक चलानी पड़ी, एक बार में हम 350 किलोमीटर भाई बाइक चलाई है। और ये देखो ताज होटल है ये। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर और वीडियो को प्यार दिखाना, जैसा भी था लाइक ज़रूर करना, जैसा भी था अच्छा लगा हो तो। और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। और ये देख लो यहाँ से है कोटपुतली 90 किलोमीटर एंड ये क्या है चंदनबाजी 28 किलोमीटर। अब विपिन पता नहीं किधर रह गया, कितना पीछे रह गया आई डोंट नो, लेकिन हमारा रिसोर्ट इधर ही था बिल्कुल सिटी से बाहर। बहुत अच्छा लोकेशन तो बहुत अच्छा था, बस रूम की क्वालिटी थोड़ी सी गड़बड़ थी, थोड़ा सा और अच्छा किया। जैसे बाहर का आप देख रहे थे वैसा उसके अकॉर्डिंगली अंदर का रूम का क्वालिटी अच्छा हो सकता था, बट कोई बात नहीं।
220 किलोमीटर है गाइस यहाँ से दिल्ली, और सनसेट होने वाला लगभग बहुत सही सनसेट हो रहा है मस्त, और रोड अच्छा ही है इधर का अभी तक तो, हम जैसे आए थे हमें पता है रोड अच्छा है। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, दिल्ली से आने में तो हमें लग गए थे चार से पाँच घंटे, अभी हम सोच रहे नॉन स्टॉप टेक दे दिल्ली, एक छोटा सा होल्ड लेंगे हल्का सा पानी वानी पीने के लिए, उसके बाद सीधा दिल्ली। तो चलिए तो गाइस यहाँ से 150 किलोमीटर रह गया है दिल्ली, पीछे बहुत गंदा वाला ट्रैफिक था, मैं तो निकल आया हूँ और शायद विपिन भी शायद अब निकला है वो जा करके, मैं कम से कम से 5-10 किलोमीटर कम से मैं उससे 10 किलोमीटर आगे निकल आया हूँ। मैं चलो कोई नहीं, कहीं रुकते हैं तो वेट कर लेंगे उसका, बाकी अब अंधेरा होने वाला है जैसे देख। तो मेरा मन तो ये है कि मैं दिल्ली सीधा टेक दूँ, क्योंकि वो आता रहेगा आराम से और सामान उसके पास है तो मैं कल भी ले लूँगा आराम से। तो देखते हैं, अगर रुकना मन गया तो रुक गया तो वेट कर लूँगा, अगर नहीं रुका तो फिर सीधा दिल्ली घर। भाई इस रोड पे कितना ट्रैफिक है यार, ट्रकों का इतना लंबा लंबा जाम लग रहा है ना, हालत ख़राब हो गया इस रोड पे, और रोड भी अच्छा कंडीशन नहीं है, जगह जगह पे बम्प है, पैचेस है। भाई जो भी गाड़ी से आ रहा है वो तो उनके लिए तो बढ़िया है, आप एक्सप्रेस वे पकड़ लो सबसे बढ़िया है, लेकिन साला बाइक वालों क्या करेंगे, बाइक वालों के लिए तो दो कम से कम। भाई हालत ख़राब हो जाना है ऐसे रोडों पे, तो रात में तो चल ही नहीं सकता ऐसे रोड है ये, बड़ा आराम आराम से चलना पड़ रहा है, और पूरा ट्रक चल रहा है एकदम लाइन से, ओवरटेक भी नहीं कर पा रहे ट्रकों को बीच से निकाल। ये देखो अभी ये देखो ट्रक कैसे चल रही है, दोनों तीनों लेन पर ट्रक चल रही है। विपिन भाई बहुत पीछे रह गया, बहुत पीछे, कि भाई मैं तो कट मार मार के निकल जा रहा हूँ, वो तो भाई गाड़ी में उसको तो लगेगा ही टाइम, कम से कम वो बता रहा है कम से 8-10 किलोमीटर पीछे वो। तो अभी मैं सोच रहा हूँ, वो कह रहा है कि सीएनजी पंप कहीं मिलता है तो सीएनजी पंप में उसका मैं वेट कर लूँगा, अदरवाइज़ अगर नहीं मिलेगा तो कोई अच्छा ढाबा देख करके रुक जाऊँगा, कि भाई और कोई ऑप्शन नहीं है। एक हाईवे किंग 19 किलोमीटर दिखा तो रहा है, चलो देखता हूँ। तो अभी भी घर यहाँ से 70-80 किलोमीटर दिखा रहा है गाइस, और विपिन पीछे ट्रैफिक में फंसा हुआ है, बहुत पीछे गंदा वाला जाम लगा हुआ था। तो बाइक है अपने पास तो अब तो निकल गए अपन तो, लेकिन वो फंसा हुआ है। अब मैं सोच रहा हूँ कि उसका वेट करूँ या निकलूँ, क्योंकि वो तो गाड़ी में है, तो मैं सोच रहा हूँ निकल जाता हूँ, सामान उतर ले लूँगा मैं आराम से बाद में, या देखता हूँ मैं कब तक पहुँचता हूँ, अगर वो निकल जाता सही तो ठीक है। अब जाकर के रोड थोड़ा अच्छा है, यहाँ रोड बन गया है, ये रोड यहाँ पे अभी रोडों का काम चल ही रहा है, ये शायद तभी पीछे इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा था डाइवर्जन की वजह से, तो इधर रोड अच्छा बना हुआ है, मे बी पूरा बन जाए तब तो ठीक है, अगर ऐसा रोड बन जाएगा तब तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है, फिर तो बढ़िया खिचम खिंच जाएगी गाड़ी। तो गाइस यहाँ पे रुक गए हैं, फिर रुक ही गए थे, फाइनली सोचे कि यहाँ से 60 किलोमीटर रह गया घर, तो खा के निकलते घर अब। तो विपिन भी आ ही गया था, तो सब बैठ के यहाँ खा लिए, क्या है बाबा का भारतीय फैमिली ढाबा कोई है, अब निकल रहे फटाफट, यहाँ 9:30 बज गया और यहाँ से कम से कम 1-1.5 घंटे का रास्ता भी और है घर का, देखते चलो। हम गुड़गांव एंटर हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया यार हमें इस बार, 10:30 होने वाला है, लेकिन ठीक है पहुँच गए। तो पीछे विपिन है, तो विपिन आ रहे हैं, निकल रहे हैं तो सीधा घर पे ही मिलेंगे अब। अब थक सा गया हूँ, बहुत बाइक चला ली इस बार, अभी तक हमने 1200 कंप्लीट कर दिया गाड़ी, मतलब बाइक चला ली हमने 1200 किलोमीटर। तो गाइस फाइनली घर पहुँच गए भाई, और टाइम हो गया 11:15, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ कार की वजह से,
क्योंकि बाइक तो निकल जाती है फटाफट, लेकिन कार में दिक्कत होता है कि पीछे बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक था भाई उस रोड पे। तो कोई नहीं, पहुँच गए फाइनली। तो सामान वामान ले लिया, निकाल लिया मैंने अपना अलग बैग में। ओए भाई साहब, तो चलते हैं अब। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए घर और बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए, थक भी गए। तो चलो ख़त्म करते हैं ब्लॉग, आज का एंड करते हैं। और जिस जिसको वीडियोस पसंद आई, वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं जल्दी से एक नए सीरीज़ में, नए ब्लॉग में। बहुत बढ़िया सोच रखा है, इसको बढ़िया प्लान कर रखा है, मस्त। तो चले, बाय बाय, टाटा।